ये जो अवशेष मिले हैं बेसिकली साइंटिफिक नेम उसका वासुकी इंडिकस है, और इसको डिस्कवर किया है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर प्रोफेसर सुनील वाजपेयी करके उनकी टीम ने इसको डिस्कवर किया। इनिशियली 2005 में स्टार्ट किया गया था, और 2019 में उनको उन्होंने जब उसमें से सेडिमेंट्स निकाले और सारा चेंज किया, उसको करा एनालिसिस किया, तो उसके हिसाब से उनको लगा कि दिस इज अ बिग स्नेक, एक बड़ा स्नेक का फॉसिल है, और इसका साइज जो है वो एनाकोंडा और जो पाइथन है जो आज के टाइम से उसके उससे भी बड़ा है। एंड इस जो ये जो फॉसिल मिला है इट इज इक्विवेलेंट टू बिग मल्टी मल्टी व्हील मल्टी चैनल बस के बराबर बड़ा है इसका पूरा का पूरा। अब ये जो फॉसिल मिला है उसके अंदर उन्हें उन्हें करीबन 27 वर्टिब्रेस मिले हैं, वर्टिब्रेस, और उनको क्लीन करने के बाद में उसके साथ में हमको जब उसको अच्छे से क्लीन करा गया तो उसको द फॉसिल्स जो उसके मिले हैं रिमेन्स वो पूरे के पूरे हमको बताते हैं कि ये आपका स्नेक का फॉसिल है। और ये जब 47 मिलियन ईयर्स जब हुआ था तो उस टाइम पर हमको जब 47 मिलियन ईयर्स पहले ये मिला तो उस टाइम पे बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था, और वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा था कि ये लोग इतने बड़े फैल सके, इतने अच्छे से ग्रो हो सके, और उसके साथ में इन्होंने वहाँ पे अडेप्टिव एनवायरनमेंट था। साथ में इसके फॉसिल्स के साथ में हमको फिश के फॉसिल्स भी मिले हैं कुछ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उस समय बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था जब ये लोग रहते थे, और उनके पास में खाने के लिए और पर्याप्त भोजन मिलता था, और उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। ये जो प्राथमिक संशोधन जो उन्होंने किया है साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है ये पेपर, और उसके हिसाब से कहा जो जो उन्होंने डेट निकाला है दैट इज अराउंड 47 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और अभी इसके अंदर और उसकी लाइक उन्होंने उसको जीनस नाम दे दिया है इसका वासुकी इंडिकस ना, जो कि एक क्रेडेंशियल है हमारे लिए कि इंडिया का नाम मिला है उसको, और वासुकी जो शिव जी का स्नेक, शिव जी के गले में जो सर्प है उसके हिसाब से उसका नाम दिया गया है, तो वो एक और बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए। और अभी इसके अंदर संशोधन में और ये है कि वो उसका ईटिंग हैबिटेट क्या था, फिर उसके बाद में उसका आजू बाजू का इन्वायरमेंटल हैबिटेट क्या था, फिर उस समय क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, ये सब चीज़ों के साथ में हम रिलेट कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये पनिंद्रो माइन में मिला है तो वो वैसे भी एक लिग्नाइट माइन है, तो हमको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन से ही